इनोवेशन फॉर चेंज रियल जो इसका यहाँ पर इस जगह की जो मेन मीनिंग है ये अपने आप में शब्द को पूरा करती है। नमस्ते मैम। आज यहाँ पर मैं आई बच्चों के लिए यहाँ पर और ये करीब 10 महीने से यहाँ के बच्चे जो IFC के हैं, विशाल हैं, हर्षित हैं और सभी बच्चे यहाँ बहुत मेहनत करते हैं और IFC के लिए सिर्फ ये नहीं कि एक संस्था को बढ़ाने के लिए यहाँ पर मेन ये जो कर रहे हैं कि सोसाइटी के उन बच्चों के लिए जो अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए जैसे स्पोर्ट्स वगैरह है, एजुकेशन है, लिटरेट करने के लिए, उसके अलावा उनके पेरेंट्स को लिटरेट कर रहे हैं कैसे कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन का मीनिंग सब बताएंगे तुमको और एक्सप्रेशन के साथ एक्ट करके बहुत अच्छा लगता है। एक प्लान कीजिए अगर स्पोर्ट्स का वो करा रहे हो ना तो अगर कोई भी सर्टिफिकेट उनको मिल जाए क्योंकि आपको पता नहीं है कि आगे उस करियर में कर पाएंगे कि नहीं। बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके लिए जो यहाँ IFC की टीम मेहनत कर रही है वो वाकई उसके लिए कोई शब्द नहीं है, कोई तारीफ दो लाइन की तारीफ नहीं की जा सकती है। क्योंकि जो मैं चाहूंगी कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग आए और देखें कि रियल सोशल वर्क क्या होता है। बहुत लोग अपने आप को कहते हैं कि हम समाज सेवक है ये है लेकिन मुझे नहीं पता कि समाज में वो लोग क्या क्या करते हैं, लेकिन यहाँ आकर वाकई लगता है कि IFC की टीम समाज में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रही है सोसाइटी में अच्छा करने के लिए। और उससे जो और लोग हैं जो नहीं कर रहे हैं या कुछ है तो हम इनसे सबक भी ले सकते हैं कि हमको ऐसे आगे बढ़कर काम करना चाहिए। आज मैं यहाँ आई देखकर मैं और मेरे बच्चे यहाँ आकर देखकर एकदम मन भावुक हो गया है और कुछ बोलना चाह के भी नहीं बोल पा रही हूँ कि इन्होंने इतना ज़्यादा किया। बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे जिनको हम लोग शायद दुत्कारते होंगे ये करते होंगे कि दूर रहो ये रहो, उन बच्चों को गोद में बैठा कर गले लगा कर ये लोग कर रहे हैं उनके लिए। कैसे रहना चाहिए, कैसे नीटनेस में रहना चाहिए और पढ़ाई लिखाई के ऊपर, क्योंकि अभी कोरोना COVID-19 है तो डिस्टेंस में करके भी करना है और गैदरिंग नहीं करनी है तो इन लोग दो दो तीन तीन बच्चों को बुलाकर उनको अच्छी एजुकेशन भी और मोटिवेट कर रहे हैं कि इस दौरान भी वो अपने आप को संभाले रहें और कैसे आगे बढ़े। हर्षित की मैं जितनी तारीफ करूं कम है, मैं 3.5 साल से जुड़ी हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि जब तक मैं रहूं IFC मुझसे न छूटे। IFC की नई फोटोग्राफर।
I'm not afraid to die.